गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो सो चिल्ड्रन, दिस इज़ आर लास्ट वर्कशीट ऑफ द चैप्टर ट्वेल्थ ओके एंड टुडे आई एम गिविंग यू सम एक्सरसाइज वर्क फ्रॉम योर मैथ्स बुक ओके सो दो चिल्ड्रन हु हुव बुक दे विल डू दिस वर्क इन दिया बुक ओके एंड हु हैव नोट बुक दे विल डू दिस वर्क इन दिया नोट ओके जिन बच्चों के पास बुक है वो इस वर्क को अपनी बुक में कर सकते हैं ओके okay? और जिनके पास बुक नहीं है सो तो वो अपनी वो इस वर्क को अपनी नोटबुक में करेंगे ओके सो लेट इज स्टार्ट द एक्सरसाइज वर्क सो चिल्ड्रन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एक्सरसाइज वर्क ओनली ओके सो लिसन केयरफुली एंड यू विल राइट द आंसर इन योर बुक और नोट बुक ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है

um, so first is here it is dice क्या है first picture dice है so how is this safe this is a cube okay क्या है dice a cube safe का है तो so you have to match this safe with the cube okay तो so आप जो book में कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं इसको directly इस तरह से इसको match कर सकते हैं seven point पे ओके एंड दोज हु आर डूइंग दिस वर्क इन यर नोट बुक सो दे विल राइट दे विल ड्रॉ दिस सेफ एंड राइट इट्स नेम इन फ्रंट ऑफ दिस ओके वो क्या करेंगे इसको ड्रॉ करेंगे और इसका जो नेम है वो इसके सामने ही यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइन लगा के ओके सो नेक्स्ट इज दिस इज अ ग्लोब एंड हाउ इज़ दिस दिस इज़ अ स्पेयर कैसा है ये स्पेयर So you will match this safe with the sphere. Okay, here this is sphere. So you will match this directly with the sphere. And next is matchbox. And how is this? This is a cuboid. Matchbox kaisa of hai? Cuboid shape. So you will match this safe with the cuboid. Okay, third number Okay. And D is a square. Okay. How is this? This is a two D shapes. कैसा है ये टू डायमेंशियल इसमें ओनली टू टू डायमेंशनस हैं लेंथ एंड ब्रेथ एंड विच आर इक्वल सो इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल सो इट इज अ स्क्वायर तो यू विल मैच दिस बोर्ड विद द स्क्वायर टू नंबर ओके एंड हेयर इट इज़ अ कैसा है ये सर्कल ओके okay? क्या है ये सर्कल सो स्पेयर एंड सर्कल आर बोथ आर राउंड इन सेफ बट स्पेयर इज थ्री डी मीन्स सॉलिड ओके थ्री डी सेफ्स है ये सॉलिड है पूरा भरा हुआ होता है एंड सर्कल इज दिस इज अ व्हील एंड व्हील इज ओनली अ टू डी सेफ ये कैसा है ओनली एक टू डी सेफ है तो यू विल मैच दिस विद द सर्कल ओके नेक्स्ट इज सलिंडा क्या कौन सा सेफ है ये सिलेंडर तो यू विल मैच दिस विद द सिलेंडर लास्ट का जो है एट नंबर इसके साथ आप क्या करोगे इसको मैच करोगे ओके नेक्स्ट इज कोन हाउ इज़ दिस दिस इज़ अ कोन तो यू विल मैच विद इट विद द कोन ओके एंड नेक्स्ट इज रेक्टेंगल कैसा है ये रेक्टेंगल तो यू विल मैच इट दिस विद द रेक्टेंगल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेश द सॉलिड ऑल अराउंड एज सोन नेम द सेफ यू गेट ओके सो ये क्या है आपको इसके बेस को ट्रेश करना है एंड फाइंड आउट करना है कि किस तरह का सेफ किस तरह का प्लेन सेफ आपको इसमें आप मिलता है ओके तो इट इज़ अ इसके बेस को अगर आप ट्रेश करोगे तो आप, किस तरह का सेफ आपको मिलेगा सर्कल ओके इट्स क्लियर ओनली so you you will write here circle okay and next is if you will trace the base of this uh, cuboid ye cuboid shape hai isko agar aap trace karoge to hows this shape uh, you get you will get the rectangle okay kis type ka shape aapko milega rectangle and next is cube कौन सा shape है ये cube aur so, cube के अगर base को आप trace करोगे then you will get the square okay तो हेयर यू विल राइट द स्क्वायर हेयर सर्कल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर तो दीज आर देयर आंसर्स ओके तो यू विल राइट द आंसर्स हेयर ओनली यू विल राइट द आंसर्स हेयर जो नोटबुक में कर रहे हैं वो ओनली क्या करेंगे ए डाल के एंड देन यू विल राइट ओनली आंसर ओके ए बी एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ईज डिस्क्रिप्शन टू द नेम ऑफ द सॉलिड इन द फॉलोइंग ओके यहाँ पे कुछ ही लाइन्स दी हुई हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द विच टाइप सेफ ऑफ देश एंड यू हैव टू मैच द आंसर्स ओके सो फर्स्ट इज टू फ्लैट फेसेस एंड वन कव्ड फेस कौन सा सेफ है जिसके टू फ्लैट फेस होते हैं एंड वन कव्ड फेस होता है तो यू कैन चेक ऑन ऑल्सो इन द टेबल आपने टेबल पहले बनाई है इसकी आप उसमें भी देख सकते हो और आपने सेफ ड्रॉ किए हुए हैं आप उसमें से भी इसको मैच कर सकते हो तो कौन सा सेफ होता है वो दिस इज अलेंडर कौन सा सेफ है जिसके लाइक दिस टू फ्लैट फेस एंड वन कर्व्ड फेस तो यू विल मैच विद दिस दिलेंडर ओके नेक्स्ट इज ओनली वन कब्ड फेस कौन सा सेप होता है जिसका ओनली वन कब्ड सेप फेस होता है तो आंसर इज स्पेयर ओके कौन सा है स्पेयर तो यू विल मैच विद मैच दिस विद द स्पेयर नेक्स्ट इज सिक्स फ्लैट स्क्वायर फेसेस फ्लैट स्क्वायर फेसेस तो विद सेफ इज दिस दिस इज अव कौन सा फेस कौन सा सेफ है क्यूब नेक्स्ट इज वन फ्लैट फेस एंड वन कर्व्ड फेस तो विच सेफ इज दिस दिस इज अ कोन कौन सा होता है वो कोन जिसका कि वन कर्व्ड कर्व्ड फेस होता है एंड वन फ्लैट फेस होता है ओके नेक्स्ट इज सिक्स फ्लैट रेक्टेंगुलर फेसेस तो विच इज दिस सेफ दिस इज अवबॉइड कौन सा सेफ है वो क्यूबॉइड तो यू विल मैच दिस विद द क्यूबॉइड ओके तो यू विल राइट दिस सेंटेंस एंड देन इक्वल साइन एंड देन दिस दे आर आंसर्स ओके जो नोटबुक में कर रहे हैं वो इस सेंटेंस को उतार के एंड क्या करोगे उसके आगे उसका आंसर्स लिख दोगे एंड दोज हुआ आर डूइंग इन द बुक तो दे कैन मैच डायरेक्टली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स तो हेयर यू हैव टू राइट द आंसर्स सो फर्स्ट इज अ क्यूब हैज डैश कॉर्नर क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं तो आंसर इज एट यू विल राइट योर एट आंसर एट कॉर्नर्स ओके नेक्स्ट इज अ अवबॉयड हैज डैश एजेस क्यूबॉयड के कितने एजेस होते हैं तो आंसर इज ट्वेल्व ओके तो यू विल राइट योर ट्वेल्व नेक्स्ट इज अ कौन हैज डैश एजेस कौन के कितने एज होते हैं तो कौन हैज टू एजेस सॉरी वन एज एंड वन किस टाइप का एज है उसका सर्कुलर तो यू वेल राइट ओनली है वन एज ओके एंड नेक्स्ट अ क्यूब हैज डैश एज एजेस क्यूब के कितने एजेस होते हैं तो है आंसर इज ऑल्सो ट्वेल्व ओके क्यूब एंड क्यूबाइट दोनों में ही कितने साइड्स हैं ट्वेल्व साइड्स ओके नेक्स्ट इज स्फीयर हैज़ डैश कॉर्नर्स स्फीयर के कितने कॉर्नर्स होते हैं तो हेयर आंसर इज नो यू कैन राइट हियर नो और जीरो ओके बिकॉज स्फीयर हैज़ नो कॉर्नर्स एंड नो एनी एजेज और साइड्स ओके सो यू विल राइट हियर ओनली नो और ज़ीरो ओके आप जीरो लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं नेक्स्ट इज वट सेप डू यू गेट वेन यू ट्रेस अलोंग द बेस ऑफ द फॉलोइंग ओके सो हेयर यू हैव टू राइट द आंसर्स विच इज़ प्लेन सेफ आप एक थ्री डी सेप्स के बेस को ट्रेस करते हो तो देन यू विल गेट द प्लेन सेफ ओके तो यू हैव टू राइट योर आंसर सो फर्स्ट इज क्यूब यू गेट अ इफ़ यू विल ट्रेस द बेस ऑफ क्यूब देन यू गेट यू गेट अ स्क्वायर क्या मिलता है आपको जब आप क्यूब के बेस को ट्रेस करते हो तो देन यू गेट अ स्क्वायर तो हेयर यू विल राइट द आंसर स्क्वायर ओके नेक्स्ट इज क्यूबाइड इफ यू विल गेट द इफ़ यू विल ट्रेस द बेस ऑफ क्यूबाइड दैन यू गेट अ रेक्टेंगल ओके तो आंसर इज रेक्टेंगल नेक्स्ट इज कौन

कौन सा लेटर लिख सकते हो बना सकते हो ओके okay? तो राइट अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विद ओके इंग्लिस अल्फाबेट का आप कौन सा लेटर इन लाइंस के हेल्प से बना सकते हो ओके सो फर्स्ट इज एग्जैक्टली टू हॉर्जेंटल लाइंस एंड वन स्लेंटिंग लाइंस, ओके आप दो हॉरिजेंटल लाइन और वन स्लेंटिंग लाइन से कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख सकते हो तो आंसर इज जेड ओके देखो टू हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह किस तरह की लाइन्स है ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन स्लैंडिंग लाइन तो दिस इज अ जेड ओके आंसर इज जेड तो यू विल राइट हियर जेड नेक्स्ट इज एग्जैक्टली टू वर्टिकल लाइंस एंड वन हॉरिजॉन्टल लाइंस ओके आपको टू वर्टिकल लाइंस वन एंड टू ओके एंड वन हॉर्जेंटल लाइन आप बीच में यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से तो आंसर इज एच तो कौन सा आंसर है कौन सा अल्फाबेट है एच टू वर्टिकल लाइंस एंड वन हॉर्जेंटल लाइंस ओके आपको फर्स्ट वही लाइंस ड्रॉ करनी है जो पहले पूछा हुआ है ओके okay? ये नहीं कि आपने पहले वन हॉर्जेंटल लाइन ड्रॉ कर दी देन यू विल थिंक द वट्स आर टू वर्टिकल लाइन्स कैसे आप उसको बनाओगे ओके तो फर्स्ट यू विल ड्रॉ ओनली वर्टिकल लाइन्स देन यू विल ड्रॉ द हॉर्जेंटल लाइन्स ओके नेक्स्ट एग्जैक्टली टू वर्टिकल लाइन्स एंड वन स्लेंटिंग लाइन्स ओके यहाँ पे आपको क्या करना है इसी तरह से टू वर्टिकल लाइन्स ओके आपने पहले टू वर्टिकल्स लाइन्स को Uh, draw kar daya. then one slanting lines. Okay, this is so this is n, consider letter a n, two vertical lines and one slanting lines. Okay, you will write here answer n. Next is exactly one horizontal line and one. वर्टिकल लाइन ओके आपको वन हॉजेंटल लाइन हेयर फर्स्ट यू विल रो वन हॉजेंटल लाइन एंड देन वन वर्टिकल लाइन तो व्हाट इज दिस दिस इज टी कौन सा लेटर आपको मिलता है टी तो हेयर यू विल राइट द आंसर टी ओके दीज आर द आंसर ऑफ This sentence. Next is. Next question is multiple choice question. Okay. इसमें क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके आंसर्स हैं तो दिस इज दिज क्वेश्चन आर ऑल्सो बेस्ड ऑन थ्री डी शेप्स ओके सो क्वेश्चन इज द सॉलिड सेप विच हैज ऑल द फेसेज आर एज स्क्वायर इज कौन सा सॉलिड शेप है जिसके कि सारे फेसेस कैसे हैं स्क्वायर्ड हैं तो आंसर इज क्यूब ओके तो हेयर यू विल टिक ऑन द क्यूब नेक्स्ट इज अ कैरेट रिजेंबल्स अ कैरेट किस तरह आपका सेफ है तो इट्स अ कोन ओके कैसा होता है कैरेट कोन सेफ ओके तो यू विल टेक ऑन द कोन नेक्स्ट इज अ क्यूब हैज डैश फ्लैट फेसेस क्यूब के कितने फ्लैट फेसेस होते हैं तो आंसर इज सिक्स तो यू विल राइट यिक्स ओके अ डैस हैज़ ओनली कर्वड फेस कौन सा सॉलिड है जिसकी ओनली क्या होता है वन कर्व्ड फेस होता है तो आंसर इज स्क्र ओके नेक्स्ट ऑल फेसेज ऑफ अ डैश आर रेक्टेंगल्स तो कौन सा सॉलिड uh, है आंसर इज क्यूबॉइड ओके नेक्स्ट क्लॉन्ट रिजम्बर्स द सॉलिड द विच इज़ कौन ओके यू विल राइट योर आंसर कौन सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज वर्क सो यू विल डू दिस वर्क इन योर बुक और नोट बुक ओके जिनके पास बुक हैं वो बुक में कर सकते हैं एंड जिनके पास बुक नहीं है तो दे विल डू दिस वर्क इन द नोट बुक ओके थैंक यू